भारतीय जीवन बीमा कंपनी द्वारा मनाए जा रहे सप्ताह कार्यक्रम में छठे दिन किया लोगों ने स्वच्छता के प्रति जागरूक। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रियदर्शनी नगर स्थित पार्क में सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा स्वयं सफाई की गई। साथ ही लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया गया कि वह देश को स्वच्छ रखने में अपना सहयोग करें। इस अवसर पर LIC के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक यंगजोर DK लाटा, SBL हंस, RS टोगरा, MD सक्सेना मुख्य रूप से शामिल रहे। इस अवसर पर कार्यक्रम की जानकारी देते हुए LIC अधिकारी ने बताया, भारतीय जीवन बीमा निगम की जो स्थापना है 1 सितंबर 1956 को हुई थी, उसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष भारतीय जीवन बीमा निगम 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक विभिन्न सामाजिक सरोकारों के कार्यक्रमों को करता है। इसी परिप्रेक्ष्य में इस वर्ष जो है एक स्वच्छता अभियान का एक हमने कार्यक्रम रखा हुआ है, जिसके अंतर्गत हम बाहरी संस्थाओं में जाके इसका जो है जागरूकता फैलाने, स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। सुबह अभी हमने एक जो DDपुरम में एक पार्क था उसको सफाई, उसको जाकर के हमारे साथियों ने, हमारे अधिकारियों कर्मचारियों ने उसकी सफाई की है। आज स्कूल में भी हमने यहाँ पे सफाई कार्यक्रम रखा है, कुछ डस्टबिन भी हम स्कूल को डोनेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जागरूकता जो है सभी लोगों के मन में जागरूकता रहे कि हमें केवल अपने तन को, एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखना बल्कि मन को भी स्वच्छ रखने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी का भी एक इस बार ये भी है कि हमें 2 अक्टूबर से वो एक कार्यक्रम चला रहे हैं कि पॉलीथीन विहीन जो है हम लोग रहें, तो पॉलीथीन का कम उपयोग करें, हमें पर्यावरण को भी स्वच्छ रखना है। इसके अलावा भी बहुत सारे कार्यक्रम इस समारोह, इस सप्ताह में हमने किए हैं। ब्लड डोनेशन कैंप 3 तारीख को आयोजित किया गया था, जिसमें करीब करीब 80 यूनिट्स हमने IMA को जो है वो दिया है। स्कूल के बच्चों के में पेंटिंग प्रतियोगिताएँ की गई है, कल PC आज़ाद इंटर कॉलेज में की गई थी, जहाँ पर करीब करीब 60-70 बच्चों को किया और उनको पुरस्कृत भी किया। इसके अलावा मूक बधिर एक संस्था है यहाँ पे GGIC कहाँ पे GGIC इंटर, हाँ, तो वहाँ पे भी हमने जो है वहाँ पे एक सिलाई मशीन उनको दी है। बच्चों को हमने खेल कूद के वहाँ पे सामान दिया है ताकि वो बच्चे खेल सकें, क्योंकि वो दिव्यांग बच्चे हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे जो कार्यक्रम हैं वो चलते रहेंगे, हालांकि कार्यक्रम सारे साल चलते रहते हैं, लेकिन सिम्बॉलिक है कि 1 से 7 सितंबर तक हम कर रहे हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम इन्हें बरेली मंडल ने का जो स्थान है वो ऑल इंडिया में 4th स्थान पे हमने जो है अपना प्रीमियम का इस Q2 का मतलब सितंबर जो छमाई है उसका बजट अचीव किया है। बहुत लास्ट ईयर हमने 800 से ज़्यादा करोड़ का जो बीमा क्लेम का जो भुगतान पॉलिसी धारकों को किया है। बरेली मंडल बहुत शानदार कार्य कर रहा है और मैं यहाँ की जनता को, यहाँ के जो हमारे पॉलिसी धारक हैं उनको इस अवसर पर विशेष बधाई और धन्यवाद देता हूँ। इसी कार्यक्रम में रिकी सिंह गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रागण में स्वच्छ अभियान चलाया गया, जिसमें भारतीय जीवन बीमा के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही बच्चों को बताया गया कि सफाई का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदी पढ़ के बहुत महान हो सकते हैं और आजकल उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है बल्कि, तो कोई भी क्षेत्र हो, मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा तो कोई भी चीज़ तुच्छ नहीं है, कमी नहीं है, हर क्षेत्र हर चीज़ बढ़िया है, तो जरूरत इस बात को कि हम उसमें एक्सेल करेंगे। इस अवसर पर भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा 3 बड़े डस्टबिन भेंट किए गए, साथ ही वहाँ मौजूद छात्र छात्राओं को फल भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मार्केटिंग मैनेजर SB पंत रहे, इसके अतिरिक्त DK लाटा, MD सक्सेना तथा कॉलेज के प्रिंसिपल मैडम अरोरा उपस्थित रहे। 1 सितंबर को यहाँ पे जो अपना 63वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारतीय जीवन बीमा निगम ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कराए और हर वर्ष हमारे विद्यालय को चुना जाता है। पिछले वर्ष भी चित्रकला की प्रतियोगिता कराई गई थी, भाषण प्रतियोगिता भी कराई गई, इस वर्ष भी स्वच्छता का कार्यक्रम कराया गया, बच्चों को स्वच्छता के बारे में पूरी जानकारी दी गई और अपने भारतीय जीवन बीमा निगम में बच्चों को अपने लक्ष्य को लेकर विभिन्न प्रकार की जानकारी दी ताकि बच्चे भविष्य में उन्नति कर सकें। और इसके अलावा भारतीय जीवन बीमा निगम की तरफ से स्वच्छता को लेकर 3 बड़े डस्टबिन विद्यालय को उपलब्ध कराए गए, जिसके लिए मैं अपने रिक्की सिंह परिवार की ओर से भारतीय जीवन बीमा निगम को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। राजकीय इंटर कॉलेज में जनपदीय खो खो प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। शुक्रवार को राजकीय इंटर कॉलेज खेल मैदान में जनपदीय खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रमेश चंद वर्मा क्रीड़ा अधिकारी ने किया। इसमें 8 टीमों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में इस्लामिया इंटर कॉलेज, आदर्श इंटर कॉलेज आटा मांडा, विश्व इंटर कॉलेज, भारत इंटर कॉलेज भोजीपुरा एवं
एमवी इंटर कॉलेज गुरु गोविंद सिंह इंटर कॉलेज की टीम मौजूद रही। वही कोच आदेश प्रताप सिंह ने शाहिद खान ने बताया, विषम मंडल इंटर कॉलेज के में हुआ था, लेकिन कुछ कारणवश वहां से रद्द करके आज की इंटर कॉलेज में आयोजित की गई है। और यहां पे जो है सीनियर वर्ग में 5 टीमें आई हैं और सब जूनियर में जो है वो 4 टीमें आई हैं। पहला मैच राजकीय और मनोभूषण इंटर कॉलेज से हुआ था, जिसमें मनोभूषण कॉलेज को राजकीय इंटर कॉलेज ने बहुत ही 43-3 से हरा दिया है। और दूसरा मैच एफ आई इस्लामी इंटर कॉलेज और सी बी गंज के बीच हुआ था, जिसमें इस्लामी इंटर कॉलेज के 13 पॉइंट बने और सी बी गंज पॉइंट के 2 बने। अब सब और मेरे विद्यालय के बच्चों ने फुटबॉल में भी अभी 4 तारीख को प्रतियोगिता संपन्न हुई, इसमें भी प्रतिभाग किया। इसमें सब जूनियर की टीम आई, गोविंद सिंह इंटर कॉलेज की पार्टिसिपेट कर रही है। आज जो गेम हो में आज जो गेम हो रहा है उसमें आपकी टीम, हमारी टीम आई हुई है, सब जूनियर में खेलेगी गुरु गोविंद सिंह। आज यहाँ पर सीनियर वर्ग में 5 विद्यालयों की टीमें प्रतिभा कर रही हैं, राजकीय इंटर कॉलेज बरेली, एफ आर इस्लामी इंटर कॉलेज बरेली, आदर्श निकेतन इंटर कॉलेज आटामांडा, भारत इंटर कॉलेज भोजीपुरा और सी बी गंज इंटर कॉलेज। 5 टीमें प्रतिभा कर रही हैं, सब जूनियर वर्ग में राजकीय इंटर कॉलेज बरेली, एफ आर इस्लामी इंटर कॉलेज बरेली, सी बी गंज इंटर कॉलेज बरेली और आटामांडा की 4 टीमें प्रतिभा कर रही है। सबसे पहला मैच सीनियर बालक वर्ग में राजकीय इंटर कॉलेज और मनोभूषण इंटर कॉलेज के बीच में हुआ, जिसमें राजकीय इंटर कॉलेज की टीम ने मनोभूषण की टीम को 45-3 के अंतर से हराया। दूसरा सीनियर वर्ग में जो मैच हुआ है वो एफ आर इस्लामिया और सी बी गंज के बीच हुआ, जिसमें एफ आर इस्लामिया ने 13-8 के अंतर से जीत हासिल की है। और अभी आपके समक्ष ये सब जूनियर वर्ग में राजकीय इंटर कॉलेज और सी बी गंज के बीच जो मैच खेला गया है, इसमें राजकीय इंटर कॉलेज ने सी बी गंज को 12-1 के अंतर से हराया। इसे पूर्व प्रधानाचार्य और जिला क्रीड़ा सचिव बरेली श्री रमेश चंद वर्मा जी ने प्रतियोगिता का शुभारंभ बच्चों से परिचय प्राप्त करके किया है। अगले मैच अभी हमारे होने जा रहे हैं और आज ही प्रतियोगिता शाम तक संपन्न होगी। आंवला की एक युवती ने लगाया अपने ही पिता व भाई पर रेप का आरोप, पुलिस जांच में जुटी। एसएसपी ऑफिस में एक अनोखा केस सामने आया। आंवला की रहने वाली युवती ने एसएसपी से शिकायत की है कि उसके पिता व भाई ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया है। इसका विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पिता व भाई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इस बारे में एसएसपी ऑफिस आई युवती ने आरोप लगाते हुए बताया, हमारे बाप ने मार्शल आर्ट कर किया और हमारे भैया ने भी। तो मतलब कब से कर रहे हैं तुम्हारे साथ ये? 6 महीने पहले हमारे बाप ने की और बुध की रात को दोबारा हमारे भैया ने किया इरफान ने और जुमरात की रात को भी किया। तो हम जिम्मे वाले थे, अपने घर पे आए अपने बाजी को बताई, समझ बाजी को। अच्छा, हमने 6 महीने पहले आपके पापा ने किया था। हाँ। ठीक है, उसके बाद भाई ने। हाँ। तो ये मतलब कब मतलब ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, मतलब क्या मतलब सौतेले माँ बाप हैं, क्या है ऐसी, क्या वजह है ऐसी स्थिति उत्पन्न? सौती बाप भी सगे होंगे और भैया भी सगे हैं, सजा दिलवाना चाहते हैं। ठीक, वही एसपी जय संसार सिंह ने कहा, ये एक लड़की है, उसने थाने को तहरीर दी कि वो अपने परिवार के साथ भट्टे पर काम करती थी, उसके परिवार के सारे लोग वहाँ पर थे, 12 लोग उसके परिवार के थे, तो 12 लोगों में इसके भाई बहन माँ बाप। लड़की ने कहा कि मेरे बाप के द्वारा इस तरह से दुष्कर्म किया गया। फिर वो घर पर आई तो घर पर भाई ने किया, तो मामला प्रथम दृष्टया तो संदिग्ध लग रहा है, मुकदमा लिख लिया गया है, कार्रवाई की जा रही है। ये कि भट्टे पर इतना बड़ा परिवार था, इतने लोग वहाँ रहते थे, ये कैसे संभव हुआ? घर पर भी उनका पूरा परिवार एक ही घर में रहता है, तो वहाँ कैसे हुआ? ये लड़की अपने जीजा के यहाँ और जीजा के यहाँ रह रही है। तो ये लड़की पक्ष का कहना है कि जीजा और उसका भाई जो है वो ये सब करा रहे हैं, क्योंकि इस लड़की के जीजा का भाई जो है वो घर पर आता जाता था, कोई इस तरह की हरकतें थी, घर वालों ने उसे भगा दिया लड़की के घर वालों, तो उसी के प्रतिशोध में इस तरह का करा है। लेकिन इसकी डिटेल में जांच की जा रही है, जो भी नतीजा निकलेगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री से सम्मानित होकर शहर में आए जय नारायण सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य का हुआ भव्य स्वागत। शुक्रवार को लखनऊ से मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित होने के बाद जय नारायण सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ब्रज मोहन शर्मा पहुंचे बरेली, जिनका शहर में भव्य स्वागत किया गया।
शिक्षक दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ऐसे शिक्षकों को सम्मानित किया गया जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान देकर छात्रों के जीवन पर प्रकाश फैलाया। इसी के मद्देनजर बरेली के जयनारायण सरस्वती विद्या इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ब्रजभूषण शर्मा को सम्मानित किया गया। साथ ही जयनारायण पहुंचे पर छात्र एवं शिक्षकों ने फूलमाला पहनाकर ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। प्रधानाचार्य ब्रजमोहन शर्मा ने बताया, देखिए कोई भी सम्मान व्यक्ति को अच्छा लगता है, लेकिन ये सब हमारे जो ये आपके सामने ये बैठे हैं, घुमा दीजिए एक बार कैमरा, ये सारे जो हमारे छात्र हैं, हमारा ये जो स्टाफ है और इन सभी लोगों का जो सहयोग रहता है, जो आत्मीयता रहती है, इन लोगों का जो परिश्रम है, बच्चों का, हमारे जितने भी हैं, राधा अष्टमी के मौके पर शहर में जगह जगह हुआ भव्य आयोजन। राधा अष्टमी के मौके पर श्री हरि मंदिर में भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसे प्रसिद्ध भजन गायिका माधवी शर्मा ने प्रभु के भजन गाकर भक्तों को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम के साथ हरि मंदिर में चल रहे वार्षिक उत्सव का समापन भंडारे के साथ किया गया। इस मौके पर जानकारी देते हुए संस्था के पदाधिकारियों ने बताया, आज राधा अष्टमी पर्व श्री हरि मंदिर का विशेष पर्व है। सबको पहले तो बधाई दूंगा बारंबार। श्री हरि मंदिर वार्षिक महोत्सव जो कि होता है साल में एक बार, जो कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी से शुरू होता है और उसका विश्राम श्री राधा अष्टमी पर्व पर होता है। विशेषकर राधा अष्टमी पर्व हमारा 15 दिन का होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के तुरंत अगले दिन से ये राधा अष्टमी पर्व की शुरुआत हो जाती है और उसके लिए सबसे पहले भागवत सप्ताह का आयोजन होता है, एक भागवत सप्ताह, उसके तुरंत बाद भजन संध्याओं का सिलसिला जारी होता है। 6 दिन लगातार सुबेरे शाम भजनों का सिलसिला चलता है और उसका विश्राम राधा अष्टमी पर्व पर होता है। राधा अष्टमी पर्व हमारा ये 59वां है, 59 साल हो गए यहाँ श्री हरि मंदिर में ये पर्व हमें मनाते हुए। हर वर्ष कुछ आगे बढ़कर कुछ नया कर इसे हम मनाते हैं और इस बार भी बड़ी हम धूमधाम से इसे मना रहे हैं, भंडारा शुरू हो चुका है। वही राधा अष्टमी के मौके पर बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी से चल रहे विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो कि राधा अष्टमी के मौके पर भंडारे के साथ संपन्न हो गया। इस मौके पर बांके बिहारी मंदिर में सेवादार ने कहा, राधा अष्टमी का उत्सव है, हमारे यहाँ 15 दिन कार्यक्रम चलता है जन्माष्टमी से लेकर राधा अष्टमी तक। आज विश्राम का दिवस है, आज सवेरे महिला मंडल ने अपने भजनों का कार्यक्रम दिया, उसके बाद हमारा जितना स्टाफ है उसको पुरस्कार दिए गए, अब ये भंडारा चल रहा है जो शाम को 4-5 बजे तक चलेगा। अब एक विशेष सूचना,
सिटी न्यूज को आप हमारे यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिटी न्यूज की खबर देने के लिए हमारे नंबर संपर्क करें फोन नंबर 9760095470 या हमारे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है सिटी न्यूज बरेली, गंगा हॉस्पिटल, बरेली। समाचार यही खत्म होता है, अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी।